बाप रे बाप, देखिए ग्लाइड। और आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, दीदी हरे कृष्णा, मैं भारती सेना आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपकी वेलनेस कुंजल क्रिया वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बजे है और अभी मैं ब्रश कर लूंगी, फिर ब्रश करने के बाद मुझे एक ग्लास गुनगुना गर्म पानी पीना पड़ेगा क्योंकि ये प्रक्रिया सुबह सुबह ही करते हैं। आजकल हम जो भी चीज़ खाते हैं, मतलब सब्जी फल सब में दोस्तों मिलावट है, इसीलिए आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए हमें अपनी हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है। हमें जैसे अपने एक्सटर्नल हमारे बॉडी को क्लीन रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें इंटरनल हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कुंजल क्रिया दोस्तों बहुत अच्छा एक प्रक्रिया है, बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत लोग इसकी डरते हैं इससे, लेकिन ये एकदम डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए मैं अभी गुनगुना गर्म पानी अभी पी रही हूँ, उसके बाद दोस्तों मुझे वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, फिर क्लीन होकर मुझे वापस आना है और आकर मुझे गर्म पानी बनाकर गर्म पानी पीना है और पानी पीकर मुझे वॉमिट करके फेंकना है। बस मैं अभी बाथरूम से फ्रेश होकर आ गई हूँ, तो चलिए अभी गर्म पानी बना लेते हैं। कुंजल के पानी बिठा दिया है, तो अभी इस पानी पर मैं नमक ऐड करूँगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, अभी मैं नमक को डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ा समय के लिए 1-2 मिनट के लिए मैं पानी को गर्म करूँगी। तो मैं अभी गर्म पानी डाल रही हूँ, तो पहले मैंने जग पर थोड़ा ठंडा पानी डाला था, फिर उसके बाद मैं अभी गर्म पानी डाल रही हूँ। पानी एकदम रेडी है, ग्लास भी रेडी है और अभी दोस्तों मैं पानी का टेस्ट चेक करूँगी और इसका टेम्परेचर भी मैं चेक करूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी गर्म हुआ तो उस पर ठंडा पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं पानी एकदम ठीक है। तो गाइस शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये प्रक्रिया आपको छुट्टी वाले दिन करना है, जिस दिन आप घर पे रहेंगे उसी दिन आपको ये प्रक्रिया करना है। और ये प्रक्रिया करने के बाद आपको थोड़ा समय रिलैक्सेशन लेना है, मतलब थोड़ा समय आपको बॉडी को रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप ओम चैंटिंग तब सुनेंगे तब तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद दोस्तों आप खिचड़ी या दालिया, मतलब बहुत ही हल्का आपको खाना है, ज़्यादा आपका भारी आपको नहीं खाना है, मतलब ज़्यादा डाइट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी बहुत जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा, रुक रुक के पीना नहीं है। पानी पी के तुरंत बाद मुझे वॉमिट करके फेंकना पड़ेगा। और दोस्तों ये प्रक्रिया आपको अर्ली मॉर्निंग ही करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक पर करना चाहिए। इस प्रक्रिया से आपके गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सभी दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आपको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको हफ्ते में एक दिन दोस्तों ये प्रक्रिया करना है। और अगर ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप 15 दिन में तो कर सकते हैं, या फिर आपको महीने में एक दिन तो दोस्तों आपको करना है, क्योंकि आपको एक सुंदर स्वस्थ जीवन बिताने के लिए। बाप रे बाप, देखिए ग्लास, देखिए खाली हो गया है जग, बहुत मुश्किल हो रही है। ओ माय गॉड, आइए वॉमिट करके रखती हूँ।
गाइस मैं जब भी ये प्रक्रिया करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि आपको ये प्रक्रिया बहुत पसंद है। और दोस्तों ये प्रक्रिया करके दोस्तों मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि दोस्तों मुझे गैस एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, मुझे दोस्तों गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। दोस्तों ये प्रक्रिया करके मेरे जो स्टोमक प्रॉब्लम मेरे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और दोस्तों कम से कम दोस्तों महीने में एक बार तो ये प्रक्रिया करनी चाहिए। और ये प्रक्रिया है इतना अच्छा है, सबको ये प्रक्रिया बहुत पसंद है और आप लोग ये प्रक्रिया बहुत पसंद करते हैं और आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, दीदी प्लीज़ दिखाओ, तो इसीलिए मैं ये जब करती हूँ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइज आप भी इस प्रक्रिया को ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग इस प्रक्रिया के नाम से ही डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं, इतना डरने का कुछ चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पानी पीना है और पानी को बस पानी पीकर, ज़्यादा समय रुकना नहीं है, पानी पीकर तुरंत बाद आपको जाना है बेसिन के पास जाना है और उंगली को मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों मुंह में डालकर और लेफ्ट हैंड के जे पाम को यहाँ पर आपको पेट पे दबाना है, ज़्यादा जोर से नहीं, बस हल्का आपको रखना है, बस ऐसे करके आपको वोमिट करके फेंकना है। बहुत ही सिंपल है, इसे दोस्तों बमन धोती भी कहते हैं। और ये दोस्तों हमारी पेट को पूरी तरह से साफ कर लेता है, हमारी जो चेस्ट में अगर कफ जमा है तो उसको भी क्लीन कर देता है, हमारी पूरी जो फूड पाइप है ये पूरी तरह से वॉश हो जाता है, क्लीन हो जाता है दोस्तों। तो ये प्रक्रिया ज़रूर करना चाहिए जी। इंटरनल हमारी जो ऑर्गन है उसको दोस्तों साफ करके क्लीन करना रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही नेचुरल है, इस पर डरने की कोई बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, हम तो दीदी डरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ गाइस इससे ईजी सिंपल कुछ नहीं है दोस्तों, आप ज़रूर आप कर सकते हैं। बहुत लोग बारिशा धोती कहते हैं जिसे पाइप को अंदर डालकर, वो बहुत ही हार्ड है दोस्तों और वो थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए मैं आपको वो प्रक्रिया नहीं दिखाती हूँ। आप इसे कीजिए दोस्तों, इससे दोस्तों आपकी जितने भी आपकी प्रॉब्लम है, कफ की परेशानी है, अगर ये आपकी पेट की अगर समस्या है, तो बहुत से आपको दोस्तों मैं आप अगर करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना फ़ायदा है। और इसमें दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइस मुझे करके जब करती हूँ ना मुझे बहुत आराम लगता है, बहुत मतलब एकदम पेट एकदम खाली हो लगता है। इससे दोस्तों हमारी स्किन भी एकदम ग्लोइंग करता है क्योंकि हमारे अंदर अगर क्लीन रहेगा तो बाहर भी ऑटोमेटिक क्लीन रहेगा। सिर्फ नहाकर क्लीन होकर कोई फायदा नहीं है, हमें अंदर से साफ होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज की मेरी कुंजल किया की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है वृंदावन स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि दोस्तों कल मैं दिल्ली जा रही हूँ तो मैं आप लोगों से मेरी जर्नी की ब्लॉग भी आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों आज बस इतना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।